أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيري طلبة وطالبات السلام عليكم ورحمة الله آج میں پھر دس میں جماعت کی طلبة وطالبات سے مخاطب ہوں بيري بچو آج جو ہم ادب کی ایک صنف ایک اہم صنف آپ کہیے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ڈراما ہے تو میرے بچوں ड्रामा कितने हिस्से होते हैं वो ड्रामा में किस चीज का प्रचार किया जाता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे तो मेरे बच्चों आओ हो जाइए मुतवज्जा बोर्ड की तरफ तो हम तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपको ड्रामे से मुतलिक चंद एक चीजें समझाने की तो प्यारे बच्चों ड्रामा में क्या होता है सबसे पहले ड्रामा को एक आम तीन असनाफ अदब में शुमार किया जाता है इस इन ड्रामे की अव्वलीन तारीफ हमें یونان کے شہر آفاق فلسفی و نقاد ادب اور ارسطو کی بوتیکا سے حاصل ہوتی ہے جس میں وہ ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیتا ہے نقل ڈرامے کی نہیں سارے فنون لطیفہ کی بنیادی قدر ہے इसलिए इससे मुतलिक तरह तरह की बहसें आए दिन होती चली आई हैं फनी अदबार से ड्रामे को हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं नंबर एक प्लाट नंबर दो किरदार निगारी और नंबर तीन जबानो बयान का तरीका या हम असलूब कह सकते हैं इसको इन तीन चीजों पर यह ड्रामा मुश्तमिल होता है तो सबसे पहले हम प्लाट की तरफ देखते हैं प्लाट होता क्या इसमें क्या काम होता है ड्रामा निगार का और जो इसको फिर स्टेज पर अंजाम देते हैं ड्रामे के प्लाट का गुत्था हुआ होना बहुत जरूरी है यानी इसमें वाकात की तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि एक तो हर आने वाला वाका इससे पहले वाका के साथ इस तरह जुड़ा हुआ हो कि वो इसकी कोख से उभरता हुआ नजर आए दूसरा ये कि पहले वाके से ज्यादा मुतासिर भी करे इस सिलसिले का आगाज से दरमियान तक एक कड़ी की तरह इर्तिका पाना लाजमी है ताकि जब ड्रामा दरमियान तक पहुंचे तो देखने या पढ़ने वालों को मालूम हो जाए कि ड्रामे का मरकजी मसला क्या है यानी किस मसले की तरफ ड्रामा हमारी तवज्जो मबजूल कराना चाहता है नेज उस वक्त तक तासुर भी इस कदर शदीद हो चुका हो कि देखने या पढ़ने वाला मबहूत हो जाए यानी जो देखने वाले हों या इस ड्रामे को पढ़ने वाली हूं वो बिल्कुल इसमें मनहमिक हो गए होंगे उस वक्त तक और प्लाट की एक दूसरी खासियत क्या होती है प्लाट में जितने वाकात की तादाद कम होती है इतना ही ड्रामा निगारने मुअस्सर बनाने की तरफ ज्यादा तवज्जो दे सकता है और उसने इसके लिए शर्त लगाई है कि अलमिये के प्लाट में सिर्फ इतने ही वाकात शामिल किए जाने चाहिए जितने किसी इंसान की एक दिन की जिंदगी में हो सकते हैं इसके हुजूम को भी इसीलिए उसने पांच मनाजिर तक की महदूद करने की तलकीन की अब हम चलते हैं किरदार निगारी पर किरदार निगारी में क्या होता है किरदार निगारी के लिए जरूरी होता है
कि इसकी तश्कील करते वक्त किरदारों की उम्र, तबके, तालीम व तरबियत और खानदानी खसूसियात का लिहाज रखा जाए। यानी न बच्चों को बुजुर्गों की तरह गुफ्तगू करते हुए दिखाया जाए और न बुजुर्गों को बच्चों की तरह। ड्रामे का हीरो का, खुसूसन अलमिये के हीरो का आम इंसान से थोड़ा बरतर होना जरूरी है, क्योंकि ऐसी सूरत में उसके अंजाम से नाज़रीन, इन्हें देखने वाले और पढ़ने वाले मुतासिर हो सकते हैं। अब हम ड्रामे के आखिरी हिस्से पर जाते हैं, इन्हें जबान व बयान का। ड्रामे की जबान का पुरशुकवा यानी मुअस्सर होना जरूरी है। मुकालमे यानी जब बात की जाए उस वक्त इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, किरदार की उम्र, तालीम व तरबियत, माहौल और खानदान ज़रूरत के ऐन मुताबिक होने चाहिए, ताकि ऐसा मास हो कि जो नाज़रीन हूँ या कारीन हूँ उन्हें ये फितरी अमल लगे। तो ये था ड्रामा से मुतलिक चंद एक चीज़ें। पहले तुलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को, इन नुक्कात को समझने की कोशिश की होगी, तो अब आप के लिए बिल्कुल आसान होगा कि अगर आपको कभी एग्ज़ाम में ड्रामा पर कुछ लिखना पड़े तो आप बिल्कुल आराम से इस पर लिख सकते हैं। पहले बच्चों, दुनिया की दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में भी ड्रामे का अच्छा खासा ज़खीरा मौजूद है। इसका आगाज़ उद के ताजदार वाजिद अली शाह के हाथों 1824 ईस्वी में राधा खैया का किस्सा की शक्ल में हुआ। कुछ मुद्दत बाद ही इस ड्रामे की शोहरत से मुतासिर होकर अमानत लखनवी ने इंदर सभा के नाम से एक तजुर्बा किया, जिसने उर्दू ड्रामे की तरक्की के रास्ते खोल दिए। इस ड्रामे को बरसगीर में इतनी शोहरत नसीब हुई कि दूर दूर से लोग लखनऊ आकर इसे देखते और वापस जाकर ऐसे ही ड्रामे तख्ली करके पेश करते। इन इब्दाई तजुर्बों के बाद जब मुल्क के बड़े बड़े शहरों में थिएटरिकल कंपनियों के क़याम का सिलसिला तिजारती अगराज के तहत शुरू हुआ तो उर्दू ड्रामे की मजीद तरक्की के रास्ते खुल गए। तालिब बनारसी, आराम और आगा हशर काश्मीरी ने इन्हीं थिएटरिकल कंपनियों से वाबस्ता होकर उर्दू ड्रामे को तरवीज और तरक्की के कई मंजिलों से हमकिनार किया। 20वीं सदी में साइंसी और तकनीकी तरक्की की वजह से उर्दू ड्रामे को मजीद फरोग मिला, यानी 20वीं सदी की यह बात है जब इसको मजीद फरोग मिला। एक तरफ अगर हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उनके बाद के ड्रामा निगारों ने अदबी ड्रामे की रिवायत को परवान चढ़ाया तो दूसरी तरफ रेडियो की ईजाद ने यक बाबी ड्रामों की तख्लीक के सामान पैदा किए। अब टीवी ने टेली प्ले की शक्ल में ड्रामे को नई जहात से आशना किया। आज तो इसका ज्यादा ही उरूज है कि अब हम इन ड्रामों को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो इससे वाबस्ता अफराद हैं, इन थिएटरों से वाबस्ता अफराद हैं, वो भरपूर तरीके से अपने फन का इजहार करते हैं और बड़ी नसीहत आमोज चीज़ें और उन कामों का भरपूर अक्कासी करते हैं इन ड्रामों में जो समाज में पाए जाते हैं, चाहे वो बुरे काम हो या अच्छे, उनकी भरपूर अक्कासी की जाती है इन ड्रामों में। और एक बड़ी खासी तादाद लोगों की जो इन ड्रामों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो बच्चों,
आज इतना ही काफी है, तो कल जो ड्रामा इसमें लिखा है आपकी किताब में, उसका थोड़ा सा वो कल की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दीजिए तब तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।